हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक भारत के ऐसे अद्भुत मंदिर दोस्तों, जहां पर देवी को जो है पीरियड होता है और दोस्तों उस देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आसाम गुवाहाटी में एक मंदिर है जिसे कहते हैं कामाख्या देवी का मंदिर। दोस्तों यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है, यहाँ होती है योनि की पूजा, लगता है तांत्रिक अघोरियों का मेला, तांत्रिकों और अघोरियों का मेला। कामाख्या टेम्पल स्टोरी एंड हिस्ट्री इन हिंदी, मैं बताऊंगा आपको इस हिंदी में बिल्कुल। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्ति पीठ 52 शक्ति पीठों में से एक है तथा यह सबसे पुराना शक्ति पीठ है, जहाँ सती के पिता राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती को और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव को अपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया, अर्थात आग में कूद गई। दोस्तों शंकर ने सती की मृत देह यानी मृत बॉडी को, डेड बॉडी को उठाकर संहार कर नृत्य किया, डांस किया, तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर जा गिरे, 51 शक्ति पीठ कहलाए। यहाँ पे भी उसका एक टुकड़ा गिर गया तो वहाँ पे जो है पीठ बन गई, इसीलिए 51 शक्ति पीठ कहलाए। कहा जाता है दोस्तों सती की योनि भाग कामाख्या में गिरा, इसी स्थल पर कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता है, यह योनि कुंड कहलाता है। दोस्तों यह योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। दोस्तों मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, अर्थात उनको पीरियड में खून निकलता है और इन 3 दिनों में योनि कुंड के जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अंबुबाची मेले को कामरूपों का कुंभ भी कहा जाता है। दोस्तों माँ कामाख्या देवी को रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इनमें पोहन बिया, दुर्गा ड्यूल, बसंती पूजा, मडानी ड्यूल, अंबुवाकी और मनसा दुर्गा पूजा प्रमुख है। दोस्तों नंबर 1 की बात करें जिसका नाम है दुर्गा पूजा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों दुर्गा पूजा हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। नंबर 2 अंबुबाची पूजा, ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, इसीलिए 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नंबर 3 दोस्तों पोहन बिया, पूसा मास के दौरान भगवान कामेश्वरा और कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में यह पूजा की जाती है। दोस्तों नंबर 4 है आपकी दुर्गा ड्यूल पूजा, फागुन के महीने में यह पूजा कामाख्या में की जाती है। नंबर 6 बसंती पूजा, यह पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। मडान ड्यूल पूजा, अगला नंबर मडान ड्यूल पूजा, चैत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कामाख्या देवी से जुड़ी किदवंती, मतलब स्टोरी ऑफ कामाख्या देवी, इसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों कामाख्या देवी के शोधार्थी जो इस पर रिसर्च करते हैं एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किदवंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठे। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा
कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के चार सोपान पथों यानी रास्तों का निर्माण कर दो, तो दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुमने ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। दोस्तों, गर्व में चूर होकर असुर ने, राक्षस ने पथों के चारों ओर सोपान प्रभावित होने से पूर्व पूर्ण कर दिए। वो विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुकुट यानी मुर्गे के द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। दोस्तों, कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। इस टापू के मध्यांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था, और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। दोस्तों, इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिरों में अलावा और भी कई अनेक मंदिर हैं। इनमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों को के हैं। 5 मंदिर भगवान शिव और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना है। आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनर्निर्माण 17वीं सदी में राजा नर नारायण ने किया था। दोस्तों, ये था आपका आज का अद्भुत मंदिर, जिसके विषय में बताया, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी आसाम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दें। इस ज्ञान को दूसरों को पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप शेयर, फेसबुक पर शेयर कर दें, जिससे औरों को भी इसका ज्ञान हो सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेगी सबसे पहले, सबसे जल्दी। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।